हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 8 मार्च है और आप सभी को महिला सशक्तिकरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सशक्त होने के साथ साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और आज मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ जिसका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था और उसको मेरे हस्बैंड ने मेरा सपना पूरा किया। वो कुछ इस तरह से है, तो चलिए दिखाती हूँ। वो है, ये देखिए, ये उन्होंने मेरे लिए इस तरह से पूरा कवर्ड बनवाया है, स्टूडियो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, और मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस तरह का मेरे पास एक स्टूडियो हो जिसमें शीशे के दरवाजे लगे हों और अंदर सारा सामान दिखाई दे। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी डॉल वगैरह रखी हैं, ये सारे टॉयज रखे हैं जो मैं बनाती रहती हूँ वीडियो वगैरह में। इधर मेरा सिलाई कढ़ाई का सामान है, इधर आर्ट क्राफ्ट का है, सब कुछ मैंने इसमें सहेज के रखा है। आप लोग पूछते हैं मैं कपड़े कहाँ से लाती हूँ, तो कपड़े तो कुछ खरीदे हुए हैं और कुछ वही टेलर के यहाँ से उठाती हूँ और इस तरह से सब स्टोर करके रखती हूँ। ये देखिए, पीछे नीचे पूरा, और इस तरह से मेरे पास ये आयरन टेबल है, इस पर कटिंग करती हूँ, इस पर भी कटिंग करती हूँ। यहाँ टीवी भी लगा लिया है और आराम से बैठ करके सारा काम मेरा हो जाता है। तो ये तो था मेरा स्टूडियो। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ और दिखाऊंगी, जो अलमारी वगैरह बनने के बाद कुछ रैक खाली हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से तैयार कर लिया। ये देखिए, छोटी सी बगिया मैंने अपनी यहाँ पर सजा ली है इस तरह से। बाकी तो आपने देखा ही था कि मैंने कुछ इस तरह से यहाँ सजाया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से सजाया हुआ है। और बेंगलोर का मौसम इस समय बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। परसों रात में काफ़ी पानी गिरा था। और देखिए, पीछे एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, उसमें गुलाबी फूलों से लदा हुआ है पूरा पेड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ हल्का सा पानी गिरा और फूल, पेड़ पौधे सब की रौनक ही दूसरी हो जाती है, पूरा खुशनुमा मौसम हो जाता है। हालाँकि इधर भी गर्मी भी बहुत पड़ी, तो चलती हूँ अंदर, अब अंदर से बातें करूँगी। लाइट थोड़ी कम है कमरे में, लाइट जला लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखाई दूँ और अच्छे से। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने इसका वीडियो भी डाला था, ये फ्लावर वास यहाँ पर आर्टिफिशियल मनी प्लांट लगा करके यहाँ पर इसको सजा दिया है। ये कॉर्नर इसको तैयार कर दिया है। और यहाँ पर ये टेबल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिस पर टेबल है आप लोगों ने कभी वीडियो में देखी होगी, इस पर क्राफ्ट वगैरह मैं करती थी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मैंने बना रखी थी। तो इस मेज़ का भी मेकओवर हमने किया, हमने और हस्बैंड ने मिलकर के, और ये काफ़ी गंदी हो गई थी और कारपेंटर बहुत उसने कहा कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बता दूं कि एक सेंटर से भी कैसे ठीक की जा सकती है। और इसको ठीक करने के लिए घर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनको लिया, जैसे प्लायर है, चाकू है, रेती है, कटर है, और फेविकोल सबके घर में होता है, स्केल है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया पहले कि जो जो चीज़ हथियार चाहिए थे सनमाइका काटने के लिए। सनमाइका काटने के लिए तो मैंने अपनी जिप वाली कैंची को इस्तेमाल किया था बाहरी हिस्सा काटने के लिए, अंदर का काटने के लिए कटर का हिस्सा कटर को इस्तेमाल किया था। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से मिला करके और एक हम लोगों ने अपनी सेंटर टेबल को नया लुक दे दिया, एकदम नया। कोई नहीं कह सकता कि इसको घर में बनी है या किसी बढ़िया कारपेंटर ने बनाई है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी इस तरह के कामों में बहुत सारा हम लोग खर्चा कर बैठते हैं कारपेंटर को बुला करके। तो फिट के हिसाब से सनमाइका ले लीजिए, फेविकोल का एक डब्बा ले लीजिए, और घर में एक दो औजार तो होते ही होते हैं, या कटर वटर नहीं है तो ले लीजिए, रखना चाहिए अपने पास। ड्रिल मशीन भी रखनी चाहिए, वो भी है मेरे पास, तो हैंड ड्रिल भी है और मशीन वाली भी है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके और इस तरह से एक
सेंटर टेबल तैयार की जा सकती है। तो ये तो सेंटर टेबल के बारे में और सबके बारे में हो गया। बस अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर कुछ नई जानकारी लेकर के आऊँगी, बात भी करूँगी और बता भी दूँगी जानकारी के बारे में, और फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। नमस्कार, बाय।